नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार सोहेल स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम मित्रा में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा, प्रदेश में 2 जून से अनलॉक की शुरुआत हो रही है दोस्तों, मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो रहा है दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि दोस्तों इसमें क्या खुलेगा दोस्तों और क्या बंद रहेगा दोस्तों। निजी साधन शुरू होंगे या नहीं होंगे, कोचिंगें ओपन होगी या नहीं होगी, और निजी और प्राइवेट बसें चालू होगी या नहीं होगी दोस्तों। मैं सरल भाषा में बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। आप मेरे चैनल पर बने रहे दोस्तों, और पहली बार आए हो तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और घंटी के आइकन को प्रेस कर दे दोस्तों, ताकि इस तरह की नई नई अपडेट आपको मिलती रहे दोस्तों। तो चलो दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। मैं आपको इसके नोटिफिकेशन पर लेके चलता हूँ और विस्तार से आपको वहाँ पर पढ़कर बताऊंगा कि आज ही का ही आदेश है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन दिशा निर्देश। अब ये क्या क्या दिशा निर्देश है दोस्तों, मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हम स्क्रॉल करते हुए नीचे पहुँच जाते हैं दोस्तों। जो जो इम्पोर्टेंट जानकारी होगी दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल और आसान तरीके से बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर एक नंबर पॉइंट पर दोस्तों, संपूर्ण राज्य में प्रतिबंधित गतिविधियां परिशिष्ट ए पर संग है। मतलब जो भी गतिविधियां हैं जो बंद रहेगी वो परिशिष्ट ए के अंतर्गत सम्मिलित की गई है दोस्तों। नीचे आ जाइए दोस्तों, नंबर टू के ऊपर दोस्तों, राज्य के समस्त क्षेत्रों में अनुमत गतिविधियां परिशिष्ट बी में संलग्न की गई है। जो भी अनुमत गतिविधियां होगी, जो चालू रहेगी, जो खुला रहेगा, उसको हम इसमें परिशिष्ट बी में संलग्न किया गया है, सम्मिलित किया गया है दोस्तों। और थर्ड नंबर पॉइंट पर आ जाइए दोस्तों, राज्य में बाजार एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आंशिक प्रतिबंधों में, इनमें कुछ प्रतिबंध रहेंगे, आंशिक प्रतिबंधों के साथ निम्न शर्तों के अनुसार अनुमत होंगे, इसको परिशिष्ट सी में सम्मिलित किया गया है दोस्तों। मतलब बाजार और व्यावसायिक प्रतिष्ठान होंगे, उन पर कुछ आंशिक प्रतिबंध रहेंगे और कुछ शर्तों के आधार पर उनको खोला जाएगा। इन सबको परिशिष्ट सी के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अब नीचे आ जाते हैं, क्या रहेगा जो इम्पोर्टेंट न्यूज होगी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। नीचे आने पर दोस्तों यहाँ पर छः नंबर पॉइंट पर देखिए दोस्तों, छः नंबर पॉइंट पर आप प्रदेश में कोरोना संक्रमण से संबंधित आंकड़ों की निगरानी और शहरी क्षेत्रों में वार्ड के आधार पर और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के आधार पर की जाएगी। प्रदेश में तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि प्रदेश के अंदर जो कोरोना के आंकड़ों की निगरानी की जाएगी वह शहरी क्षेत्रों में तो वार्ड के अनुसार की जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के आधार पर की जाएगी दोस्तों। नीचे आ जाते हैं दोस्तों, नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं दोस्तों। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि इस पूरे एरिया को दोस्तों तीन जोन में बांटा गया है दोस्तों। ग्रीन जोन के अंदर, येलो जोन के अंदर और रेड जोन के अंदर बांटा गया है दोस्तों। और इनको दोस्तों ग्राम पंचायत स्तर पर अलग अलग और जिला स्तर पर बांटा गया है दोस्तों। ग्राम पंचायत स्तर पर अलग आंकड़े के आधार पर बांटा गया है और जिला स्तर पर अलग आंकड़ों के आधार पर बांटा गया है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों ग्रीन जोन, जीरो कोविड एक्टिव केस, एक भी एक्टिव केस नहीं होगा वो ग्रीन जोन के अंदर, वो एरिया ग्रीन जोन के अंदर सम्मिलित किया जाएगा दोस्तों। जिला स्तर पर दोस्तों 1 लाख की जनसंख्या पर जीरो कोविड एक्टिव केस होगा वो दोस्तों ये भी ग्रीन एरिया के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों येलो में ले लीजिए दोस्तों, 0 से 5 कोविड एक्टिव केस, ग्राम पंचायत स्तर पर दोस्तों 0 से 5 कोविड एक्टिव केस पाए जाते हैं तो येलो एरिया में सम्मिलित किया जाएगा दोस्तों वो एरिया। और 1 लाख की जनसंख्या पर 100 कोविड एक्टिव केस पाया जाएगा तो वो येलो में सम्मिलित किया जाएगा दोस्तों। फिर आता है दोस्तों रेड जोन, 5 से अधिक कोविड एक्टिव केस, अगर 5 से अधिक कोविड एक्टिव केस पाए जाते हैं तो वो रेड जोन में सम्मिलित किया जाएगा। और शहरी क्षेत्र के अंदर, जिला क्षेत्र के अंदर का दोस्तों 1 लाख की जनसंख्या पर 100 से अधिक कोविड एक्टिव केस पाया जाता है तो दोस्तों वो इलाका रेड जोन में घोषित किया जाएगा दोस्तों। अब नीचे आ जाते हैं दोस्तों, नीचे इसके अंदर 7 नंबर का जो पॉइंट है वो देख लेते हैं दोस्तों। 7 नंबर के पॉइंट में दोस्तों, जैसे कि शुक्रवार दोपहर 12 से मंगलवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा दोस्तों। शुक्रवार के 12 बजे से और मंगलवार के सुबह 5 बजे तक वो जो जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू वैसा का वैसा लागू रहेगा। इसके अलावा दोस्तों प्रतिदिन बोले तो दोस्तों मंगलवार से शुक्रवार के 12 बजे तक, तो दोस्तों इसके अलावा प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू लागू रहेगा दोस्तों। और आगे दोस्तों क्या क्या इसके अंदर बदलाव हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों 8 नंबर पॉइंट ले लीजिए दोस्तों, 8 नंबर पॉइंट के अंदर लॉकडाउन के दौरान अनुमत रहने के अलावा जिनको छूट दी जाएगी उनके अलावा किसी भी स्थान पर 5 से या 5 से अधिक व्यक्तियों का आतंकित होना प्रतिबंध रहेगा। जिनको अनुमति दी गई है वही रह सकते हैं, उनके अलावा 5 से या 5 से अधिक व्यक्ति आतंकित नहीं हो पाएंगे दोस्तों। नीचे स्क्रॉल करके आ जाते हैं दोस्तों, और क्या क्या इसके अंदर बदलाव किए गए हैं दोस्तों मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। और हम दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों,
14 नंबर पॉइंट दोस्तों, यह आदेश दिनांक 2 जून 2021 से बुधवार प्रातः 5 बजे से प्रभावी होगा। तो दोस्तों यह आदेश 2 जून से स्टार्ट होगा, 2 जून 2021 बुधवार प्रातः 5 बजे से लागू हो जाएगा दोस्तों। ये मैंने प्रशिष्ट आपको बताई दिया है दोस्तों। नीचे आ जाते हैं स्क्रॉल करते हुए नीचे, और क्या इसके अंदर अपडेट है दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। नीचे आ गए दोस्तों हम, ये परिशिष्ट ऐप आ गए हैं दोस्तों। इसके अंदर प्रतिबंधित गतिविधियों को बताया गया है दोस्तों, पर क्या क्या प्रतिबंधित गतिविधियां होगी वो हम देख लेते हैं, मोटे मोटे तौर पर पॉइंटों को देख लेते हैं हम दोस्तों। जैसा कि दोस्तों 2 नंबर पॉइंट, राज्य के निवासियों में जिनके द्वारा 3/6/2021 का शादी समारोह का आयोजन किया जा रहा है, वह इस प्रकार के कार्यक्रम को दिनांक 3/6/2021 के इसके पश्चात आयोजित किए ताकि कोविड संक्रमण पर रोक लगाई जा सके। विवाह घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी। अगर आप विवाह करते हो तो आप घर पर विवाह कर सकते हो या कोर्ट मैरिज पर कर सकते हो, जिसके अंदर 11 व्यक्तियों की अनुमति होगी, जो कि पहले के आदेश में था। और इसकी सूचना आपको DOET द्वारा बनाए गए पोर्टल पर देनी होगी, जो कि ये पोर्टल यहाँ पर है, यहाँ पर आपको ये सूचना देनी होगी दोस्तों। नीचे आ जाते हैं दोस्तों, और क्या क्या इसके अंदर प्रतिबंध रहेगा दोस्तों। ये जो पहले के बताया गया था, विवाह घर पर ही अन्यथा कोर्ट मैरिज पर होगा दोस्तों। विवाह में संबंधित किसी प्रकार के समारोह, DJ, बारात, निकासी, प्रतिभोज इत्यादि दिनांक 3/6/2021 तक अनुमति नहीं होगी दोस्तों। नीचे आ जाते हैं दोस्तों, नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, धार्मिक स्थलों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा दोस्तों, और सिनेमा हॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स आदि सब बंद रहेंगे दोस्तों। समस्त सार्वजनिक परिवहन जैसे कि निजी और सरकारी बसें पूर्ण रूप से बंद रहेगी दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों यहाँ पर देखिए आप दोस्तों, सार्वजनिक परिवहन जैसे कि निजी और सरकारी बसें पूर्ण रूप से बंद रहेगी। तो इसका मतलब दोस्तों, अभी जो ये मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हुआ है दोस्तों, उसके अंदर बसों का संचालन नहीं हो पाएगा दोस्तों, और बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टेम्पो, ट्रैक्टर, जीप इत्यादि की अनुमति नहीं होगी दोस्तों। नीचे देख लेते हैं दोस्तों, और इसके अंदर का तो क्या क्या प्रतिबंध रहेंगे दोस्तों। अब हम दोस्तों परिशिष्ट बी के अंदर आ गए हैं दोस्तों। परिशिष्ट बी के अंतर्गत यह बताया गया है कि कौन कौन सी गतिविधियां अनुमत रहेगी, अनुमत गतिविधियों का ब्यौरा बताया गया है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं कौन कौन सी गतिविधियां अनुमत रहेगी। 1 नंबर पॉइंट पर बताया गया है कि दोस्तों, प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालय 25% कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9:30 बजे से 4:30 बजे तक अनुमत रहेंगे। जितने भी सरकारी कार्यालय होंगे दोस्तों, वह 25% कर्मचारियों के साथ सुबह 9:30 बजे से 4 बजे तक अनुमत रहेंगे, और दिनांक 7/6/2021 से सभी सरकारी कार्यालय 50% की क्षमता के साथ अनुमत रहेंगे, और 7/7/2021 से इनका मतलब जो 25% की उपस्थिति अनिवार्य थी वो बढ़ाकर 50% कर दी जाएगी दोस्तों। आगे हम देख लेते हैं दोस्तों, अब ये निजी कार्यालय के बारे में बताया गया है दोस्तों। प्रदेश के समस्त निजी कार्यालय कोरोना प्रोटोकॉल की पालना करते हुए 25% कार्मिकों की उपस्थिति के साथ दोपहर 2 बजे तक खोले जाएंगे दोस्तों। प्रदेश के जो भी दोस्तों ये निजी कार्यालय होंगे, वो भी 25% कार्मिकों की उपस्थिति के तहत 2 बजे तक खोले जाएंगे दोस्तों। नीचे आ जाते हैं दोस्तों, और इसके अंतर्गत क्या क्या अनुमत रहेंगे वो देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों 3 नंबर पॉइंट पर आप देख लीजिए दोस्तों, सभी निजी चिकित्सालय, लैब एवं उनसे संबंधित कार्मिक जैसे डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, पैरा मेडिकल व अन्य चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत रहेंगे। यहाँ पर जो भी लैब डिपार्टमेंट से या नर्सिंग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए होंगे दोस्तों, वह अपने पहचान पत्र बताकर अनुमत हो सकेंगे दोस्तों। नीचे आ जाते हैं दोस्तों, और क्या क्या अनुमत रहेंगे उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पशु चिकित्सालय एवं उनसे संबंधित कार्मिक जैसे कि पशु चिकित्सक होगा दोस्तों, पशु चिकित्सा स्टाफ, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं और बीपी लैब की वैक्सीन का उत्पादन एवं मत्स्य विभाग से संबंधित गतिविधियों जैसे कि एक्वा कल्चर, झींगा पालन इत्यादि से संबंधित कार्मिक उपयुक्त पहचान पत्र के साथ अनुमत रहेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप अब यहाँ पर 5 नंबर पॉइंट पर देख लीजिए दोस्तों, प्रदेश में जिले के अंदर अपने निजी वाहनों से आवागमन मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक की अनुमत होगा दोस्तों। तो मंगलवार से दोपहर 12 बजे तक अपने निजी वाहनों के द्वारा आप अपने एक जिले के अंदर अपने किसी कार्य के लिए आ जा सकते हो दोस्तों, एवं कोविड की संक्रमण की कमी आने पर दिनांक 8/6/2021 के पश्चात मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 5 बजे तक 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत होगा दोस्तों। अगर इसके अंदर कोविड के संक्रमण में कमी आती है तो दोस्तों 8/6/2021 के पश्चात मंगलवार से शुक्रवार प्रातः 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक समस्त राज्य में आवागमन अनुमत हो सकेगा दोस्तों। नीचे आ जाते हैं दोस्तों, 6 नंबर पॉइंट के ऊपर दोस्तों, रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट में आने जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन की अनुमति होगी दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ बताया गया है कि रेलवे, मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट में आने जाने वाले व्यक्तियों को यदि वो अपने यात्रा का टिकट दिखा देता है तो दोस्तों उनको आवागमन की अनुमति होगी दोस्तों।
नीचे आ जाते हैं दोस्तों। नीचे आने के बाद अपन 7 नंबर पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से घर मेडिकल इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों की आवागमन हेतु उपयोग में दी जाने वाली टैक्सी ओलो ऊबर और ऑटो ई रिक्शा सेवा अनुमत होंगे दोस्तों। प्रदेश में दिनांक 10 से 2021 के 50 रोडवेज बसें निजी बसों का संचालन अनुमत होगा। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज यहाँ पर निकल के आ रही है दोस्तों, 8 नंबर पर आप देख लीजिए दोस्तों। दोस्तों प्रदेश में दिनांक 10 से 2021 से के पश्चात 10 से 2021 के 10 जून के बाद में दोस्तों रोडवेज बसों और निजी बसों का संचालन अनुमत होगा। रोडवेज और निजी बसें चालू हो जाएगी दोस्तों। इसके संबंध में प्रत्यक्ष दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। उसके क्या क्या दिशा निर्देश रहेंगे, क्या क्या पालना की रहेंगी, क्या क्या पाबंदी रहेगी उसके बाद में इसके नंबर 10 पॉइंट देख लीजिए दोस्तों। अंतर्राज्यीय एवं राज्य के अंदर माल परिवहन करने वाले भारी वाहनों के आवागमन, माल को लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा उक्त कार्य हेतु नियोजित व्यक्ति अनुमत रहेंगे दोस्तों। राष्ट्रीय एवं राज्य मार्ग वैध संचालक डाबे और वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत रहेगी दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, राष्ट्रीय और राज्य मार्ग पर संचालित डाबे जो भी डाबे होंगे जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य राजमार्ग पर स्थित रहेंगे वे एवं वाहन रिपेयर की दुकानें अनुमत रहेगी दोस्तों। नीचे आ जाते हैं दोस्तों, नीचे क्या क्या पॉइंट है और देख लेते हैं दोस्तों। दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, 11 नंबर पॉइंट पर गर्भवती महिलाएं और रोगियों का चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य सेवाएं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति रहेगी। ऐसी महिलाएं जो लोग दोस्तों गर्भवती रहेगी उनको आवागमन चिकित्सा के स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन की अनुमति रहेगी दोस्तों। टीकाकरण हेतु स्वयं की पंचायत समिति और नगर इकाई परिषद एवं स्थित टीकाकरण स्थल पर जाने की अनुमति होगी। यदि आप टीका लगाने जा रहे हो तो आपको अपने पंचायत समिति या पंचायत क्षेत्र में टीका लगाना होगा और किंतु साथ में रजिस्ट्रेशन संबंधित दस्तावेज एवं अपना पहचान पत्र साथ में रखना अनिवार्य होगा। अपना आधार कार्ड वगैरह दिखाना होगा दोस्तों। निर्धारित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने एवं परीक्षा केंद्र में आवागमन की अनुमति होगी। यदि कोई परीक्षा या एग्जाम देने जा रहा है तो उसको अपने प्रवेश पत्र आदि दिखाना होगा दोस्तों। नीचे आ जाते हैं दोस्तों, नीचे आने के बाद दोस्तों 14 नंबर पॉइंट देख लीजिए दोस्तों। अंत्येष्टि एवं अंतिम संस्कार से संबंधित कार्यक्रम के बारे में बताया गया है दोस्तों। अनिवार्य रूप से फेस मास्क, यदि आप किसी अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार में जाते हो तो आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा दोस्तों। अनिवार्य रूप से आपके फेस मास्क पहनना होगा। सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्कैनिंग और हैंड वॉश और सैनिटाइजर के प्रावधानों के साथ अनुमत व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आप अंतिम संस्कार में जाते हो किसी के में तो उसकी संख्या केवल 20 होनी चाहिए, 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, थर्मल स्कैनिंग करवानी चाहिए अपनी। तो दोस्तों हम 14 नंबर पॉइंट पर प्रोत्साहित किया जाएगा दोस्तों। समाचार पत्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 11 बजे तक छूट होगी। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया एवं कार्मिकों के परिचय पत्र के साथ आने जाने की अनुमति रहेगी दोस्तों। और दोस्तों हम नीचे देख लेते हैं और क्या क्या छूट दी हुई है वो देख लेते हैं दोस्तों। 18 नंबर पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कुरियर सुविधाएं, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधी सेवाएं अनुमत रहेगी दोस्तों। और नीचे आ जाइए दोस्तों, नीचे आने पर दोस्तों ई मित्र वाले की बताया, ई मित्र वालों के लिए बताया गया है दोस्तों 20 नंबर पॉइंट। ई मित्र आधार केंद्र सेवाएं दोपहर 4 बजे तक अनुमत रहेंगे। ई मित्र वैसे के वैसे तो दोपहर 4 बजे तक संचालित रहेंगे दोस्तों। नीचे 21 नंबर पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, 21 नंबर पॉइंट क्या बता रहा है दोस्तों। ATM सेवाएं 24 घंटे अनुमत होगी दोस्तों एवं बैंकिंग, बीमा, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की सेवाएं आमजन के लिए दोपहर 2 बजे तक ही अनुमत रहेगी। बैंक दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। जहां तक संभव हो उक्त संस्थाएं द्वारा भी कम से कम कार्मिकों को कार्यस्थल पर अनुमत किया जाए एवं ई बैंकिंग कार्य प्रणाली को प्रोत्साहित किया जाए दोस्तों। नीचे आ जाते हैं दोस्तों, अब जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों अपन। दोस्तों अब दोस्तों ये परिशिष्ट सी के अंदर आ जाते हैं दोस्तों। परिशिष्ट के अंदर क्या क्या खुला रहेगा, कैसे क्या इनका क्या टाइम रहेगा वो देख लेते हैं दोस्तों। दुकानों और बाजारों के संबंध में बताया गया है परिशिष्ट सी के अंदर के दोस्तों। तो ये दुकानें बाजार कब से कब तक खुली तक ये वो रहेगी वो देख लेते हैं दोस्तों। दुकानें सही प्रकार के खाद्य पदार्थ एवं किराने के सामान व आटा चक्की संबंधित खुदरा रिटेल थोक व होलसेल की दुकानें दोस्तों मंगलवार से शुक्रवार तक खुली रहेगी दोस्तों। और ये प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक खुली रहेगी दोस्तों। पशु चारे का भी यही टाइम रहेगा दोस्तों, ये भी पशु चारे की भी प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक खुली रहेगी दोस्तों। डेयरी और दूध की दुकानें प्रतिदिन खुली रहेगी। इनका समय दोस्तों प्रातः 6 बजे से प्रातः 11 बजे तक एवं 5:30 से 7 बजे तक का रहेगा दोस्तों। मंडिया, फल एवं सब्जियां, फूल मालाएं की दुकानें भी दोस्तों 6 से 11 बजे तक खुली रहेगी दोस्तों। वहीं दोस्तों अन्य दुकानें एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान मंगलवार से शुक्रवार तक प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक खुले रहेंगे दोस्तों। राशन की दुकानें बिना किसी अवकाश के खुली रहेगी दोस्तों।
बाजारों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोले जाने के लिए समस्त जिला कलेक्टर अपने अपने जिलों में व्यापारिक संगठनों और स्थानीय लोगों को सम्मिलित करते हुए जन अनुशासन कमेटी पर विचार विमर्श कर वैकल्पिक व्यवस्थाओं और डी कंजक्शन प्लान तैयार करेंगे। दोस्तों आगे आ जाते हैं दोस्तों, अब ये दोस्तों परिशिष्ट परिशिष्ट डी आ गया है। दोस्तों परिशिष्ट डी के अंदर क्या है वो देख लेते हैं। बाजारों एवं अन्य व्यवसाय गतिविधियों को खोलने हेतु अपनाए जाने वाले प्रक्रिया एवं दिशा निर्देश बताए गए हैं। दोस्तों अगर बाजारों एवं अन्य व्यवसाय गतिविधियों को खोलने हेतु अपनाए जाने वाली प्रक्रिया और दिशा निर्देश इसके अंतर्गत बताए गए हैं। दोस्तों आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या है दोस्तों, ये ग्रामीण क्षेत्र का आ गया है। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में क्या कैसे क्या खुलेगा ये बताया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थित ऐसे तहसील उपखंड पंचायत समिति मुख्यालय जहां आबादी की संख्या अधिक है और दुकानें व्यवसायिक प्रतिष्ठान ज्यादा है जिन्हें खोले जाने की स्थिति में अधिक भीड़ का आना संभावित है, उक्त क्षेत्र में स्थित बाजार एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान हेतु। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको पूरी गाइडलाइन पढ़ के बता दिया है दोस्तों, क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा बिल्कुल सर पासा के अंदर। दोस्तों मुझे यही जानकारी देनी थी आपको दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी। दोस्तों आपको ठीक लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों, ताकि इस तरह की नई नई अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।